बच्चों नमस्कार। बूढ़ी काके का अगला भाग आज हम देखेंगे। मेहमानों ने भोजन किया, उसके बाद मेहमानों ने भोजन किया। लाडली को काके के अत्यंत प्रेम था। लाडली है, उसको काके से बहुत अनुराग था। वह झुंझला रही थी कि लोग काके को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। लेकिन लाडली देखती है कि लोग से वह काकी को ज़्यादा पुड़िया खाने क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? क्या सोचती है कि जो पुड़िया बनाई है वह मेहमान ही सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों को पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? यदि मेहमान से पहले जो काकी ने खा लिया, भोजन कर लिया, तो इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती है। लाडली काकी के पास जाती है और काकी को आश्वासन देती है, परंतु माँ के डर से जाती नहीं। लेकिन उसको अपनी माँ का डर लगता है। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। काकी के लिए लाडली अपनी पुड़िया बचा के रखती है। उसने न खाया और काकी के लिए रख दी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। अपने हिस्से की पुड़िया लाडली काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई। उसका हृदय अधीर हो रहा था। तभी जो पुड़िया बचा रखी थी वह काकी को देने के लिए उनका मन अब अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी, लाडली सोचती है। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही बहुत खुश हो जाएगी, पुड़िया देखकर भी आनंदित हो जाएगी और पुड़िया देखकर वह मुझे बहुत प्यार करने लगेगी। रात के 11 बज गए थे। जब लाडली काकी को पुड़िया देने जाती है तब 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की माता रूपा वह वहाँ आंगन में सोई हुई थी। लाडली की आंखों में नींद न थी, लेकिन लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बूढ़ी काकी को पुड़िया खिलाने का आनंद था। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। जब उसे यकीन हुआ कि अब उसकी अम्मा सो गई है तो वह चुपके से बिना आवाज़ किए वहाँ खड़ी होती है और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली जाती है। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। बूढ़ी काकी को सिर्फ इतना ही याद है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर घसीटने लगे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई उसे पहाड़ पर ले जा रहे हैं। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो गई। तब उसको ऐसा लगता है कि घसीट कर ले जाते हैं, तब उसका पैर बार बार पत्थर से टकराता है और पहाड़ पर ले जाकर कोई उसे पटक देता है और वह मूर्छित हो जाती है, बेभान हो जाती है। जब वे सचेत हुई तो किसी को जरा भी आहट न मिलती थी। जब वह इस विचार से बाहर निकली तो उसने देखा किसी की आहट नहीं आती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। तब बूढ़ी काकी सोचती है, सब लोग खा पी कर सो गए हैं। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ऐसा सोच के काकी उदास हो जाती है और लेट जाती है। ग्लानी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। उसे बहुत दुख हुआ था, दुख के कारण वह रो नहीं पाती थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। एकाएक उसके कान में आवाज़ सुनाई देती है, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली से बोली को पहचान लिया। तब लाडली का आवाज़ काकी पहचान लेती है और चटपट उठ बैठी और तुरंत काकी उठती है। दोनों हाथों से लाडली को टटोलते हुए उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी।
तभी लाडली का आवाज़ सुनकर ही काकी खड़ी हो जाती है और दोनों हाथों से लाडली को अपने गोद में बिठा लेती है। और तभी लाडली है वो उसको अपनी हिस्से की पुड़िया जो लाई थी वो निकाल कर काकी को देती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तब बूढ़ी काकी लाडली को पूछती है, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है मेरे लिए? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। लाडली कहती है, ना, यह तो अम्मा ने नहीं दी, लेकिन मेरे हिस्से की पुड़ी थी वो मैंने बचा कर रखी है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। काकी को खाने की इच्छा तो बहुत थी लेकिन खाना नहीं मिला था। लेकिन जब लाडली उसको खाने के लिए लाती है तो वह बहुत खाने लगती है। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। सिर्फ 5 मिनट में ही सब कुछ पुड़िया खा गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जब बूढ़ी काकी खा लेती है तो खाने के बाद लाडली पूछती है, क्या बूढ़ी काकी अब तुमको पेट भर गया है? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। यहाँ कहा गया है कि बारिश हो और थोड़ी ठंडक हो, लेकिन जब बारिश थोड़ी हो बाद नहीं होती तो गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है। वैसे ही लाडली की लाई हुई थोड़ी पुड़िया काकी की क्षुधा यानी भूख भूख और इच्छा है उसको अधिक तीव्र कर देती है। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। काकी लाडली से कहती है, नहीं, मेरा पेट तो भरा हुआ नहीं है, तू जा और तेरी अम्मा से और पुड़िया ले आ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। लाडली कहती है, अम्मा तो सोई हुई है, अगर मैं जाकर उसको जगाऊं तो वह मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। काकी फिर से जो पात्र में लाडली पुड़िया लाई थी वह पात्र फिर से देखने लगती है। उसमें कुछ खर्चन गिरे हुए थे, खर्चन एटले टुकड़ों, तो उसमें पुड़िया के टुकड़े पड़े हुए थे, उन्हें निकाल कर ये खाने लगी। वह पुड़िया के टुकड़े निकाल कर खाने लगती है। बार बार होठ चाटती थी, चटाके फटती थी, बार बार पुड़िया का स्वाद वह लेती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। उसका हृदय में यह इच्छा होती थी कि अभी ज़्यादा पुड़िया कैसे मैं प्राप्त कर सकूं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। काकी की खाने की इच्छा वह और तेज हो गई। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, क्या सही है क्या गलत है यह भी उसके मन में ना आया। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। थोड़ी देर लिए तो उसने अपनी खाने की इच्छा को रोका। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले जाओ जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। जब इच्छा काबू में न रही तब वह लाडली को कहती है कि लाडली, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे वहाँ ले जा जहाँ मेहमान ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सके। बुढ़ी काकी क्या कहना चाहती है यह लाडली की समझ में न आया। उसने बूढ़ी काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी के कहने पर लाडली बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर वहाँ ले जाती है जहाँ जूठी पतले पड़ी हुई थी और बूढ़ी काकी को वहाँ बिठा देती है। काकी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगे। जहाँ बैठकर मेहमानों ने खाया था उसका जूठा खाना काकी है वो चुन चुन कर खाने लगती है। ओ, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता कितना कोमल। और खाके सब चीज़ों की वह अपनी प्रशंसा करने लगती है। काकी बुद्धिराम के होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी उसमें ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन भी बुद्धि काकी को इतना तो पता था कि वह जो काम कर रही है वह मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए।
मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, सोचती है दूसरों का खाया हुआ खाना मैं खाती हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेकिन बुढ़ापा है वह तृष्णा रोग, जो अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह कुछ भी करता है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बुढ़ापे में सभी इच्छा का केंद्र स्थान एक ही होता है। बुढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। बुढ़ी काकी में यह उनकी इच्छा का केंद्र उसकी जीभ या जीवा थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। जब बुढ़ी काकी झूठी पतले से उठा उठा कर खाती थी, तभी रूपा की नींद खुलती है। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, और देखती है कि उसकी बेटी लाडली उसके पास सोई हुई नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहाँ नीचे तो गिर नहीं पड़ी। आश्चर्य हुआ और वह इधर उधर देखने लगती है, कहीं उसकी लाडली चारपाई से नीचे तो गिर नहीं गई। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी काकी पतलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। लेकिन बुढ़ी काकी को देखा और उसने लाडली को भी देखा कि लाडली वहाँ झूठे पतलों के पास बिना बोले खड़ी है और बुढ़ी काकी है वह झूठी पतलों में से पुड़ियों उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। तभी यह दृश्य देखकर रूपा को एकदम दुख हुआ। वह यह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले का हृदय कांप उठते हैं। यह दृश्य देखने से ऐसा लगता था कि कोई भी यह देखे तो उसका हृदय अति दुखी होता है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। उसको ऐसा लगा कि जमीन रुक गई है और आसमान फिरने लगा है। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है, इस दुनिया में कोई मुश्किल ही आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, यह देखकर रूपा को गुस्सा न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, जहाँ दुख हो वहाँ गुस्सा कहाँ। करुण और भय से उसकी आंखें भर आई। बुढ़ी काकी के प्रति उनके हृदय में जो दया उपजी, उसके कारण उसके आंखें में आंसू आ गए। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? जो यह अधर्म नहीं होना चाहिए वह हो रहा है, उसका भागीदार कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चे पर दया करो। दुख होने के कारण वह आसमान की ओर हाथ उठाकर देखती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यनाश हो जाएगा। यह अधर्म हो रहा है, उसका दंड तुम मुझे न दो, नहीं तो मेरा सत्यनाश हो जाएगा। रूपा की और स्वार्थनापरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष में कभी न दिख पड़े थे। रूपा की स्वार्थ अनुकूलता और अन्याय इस तरह उसे कभी प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने नहीं दिखने लगे थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। रूपा यह देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति। जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक आय 200 रुपया मिलती है उस व्यक्ति की ही यह खराब दशा और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझसे बहुत गलती हो गई, भूल हो गई है, तो मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुई बुढ़ी काकी की ओर चली। बुढ़ी काकी का यह दशा, यह दुख देखा न गया, इसलिए रूपा भंडार की ओर जाती है। भंडार का द्वार खोलती है और एक थाली में सब भोजन की चीजें रखती है और वह थाली बुढ़ी काकी के पास ले जाकर कहती है। उसने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो। वह बोल नहीं पाती है लेकिन भी कहती है,
हे काकी उठो और खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। मेरे से आज जो भूल हो गई है उसका तुम बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। तुम भी भगवान से यह प्रार्थना करो कि मैंने जो गुनाह किया है उसको माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। जैसे निर्दोष बच्चे सब भूल जाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी भी उसका अपमान सब भूलकर मिठाइयाँ देखकर वह उठी और खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद में निमग्न थी। बूढ़ी काकी के एक एक रोए से रूपा के लिए अच्छी इच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी बूढ़ी काकी से यह स्वर्गीय आनंद का दृश्य देखने में एकदम तल्लीन हो गई थी। तो यह था प्रेमचंद जी का बूढ़ी काकी कहानी का एक अंश।